जिन्होंने झारखंड आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं, आज उनको अगर आप ठेंगा दिखा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य, क्योंकि आज अगर आप विधायक सांसद बने मंत्री बने तो उन्हीं आंदोलनकारियों की देन है जिन्होंने लड़कर संघर्ष करके इस राज्य को अलग किया है। अगला सवाल ये होगा, भाजपा 7 से 8 दिनों में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी ताकि उनको मौका मिल पाए चुनाव लड़ने का, तैयारी का आप अपना पहला लिस्ट कब जारी कर रहे हैं ताकि और वो प्रत्याशी खुलकर मैदान में आ जाए? लोग इसी महीने में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे, हमको लगता है इस महीने में या फिर इस अगले महीने के फर्स्ट वीक में कुछ प्रत्याशियों की सूची आप सबके बीच उपस्थित हो जाएगी। कल्पना सुरेन पे क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की मेहनत से इतने इतने प्रवासी आ गए, उनको नकदी दी गई और पूरा सोशल मीडिया पे प्रचार हुआ। आपने जिन जिन लोगों का जिक्र किया अपने पोस्टर में कि ये लोग हैं जिनका लाश अभी आना बाकी है, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें? इसमें थोड़ा सा पेचीदा है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो हैं तो आखिर संवैधानिक पदों पे, लेकिन हम लोग के प्रयास में कोई कमी नहीं है। बाकायदा ठीक है, आप सरकार में अगर आप कुछ करते हैं तो ज़्यादा उपलब्धि और जस्ट मत मनाइए, आप दूसरे काम की तैयारी में लग जाइए और आप प्रवासी मजदूरों को तो वापस ले आए, लेकिन उनके हिस्से की नौकरी तो आप हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को, गुजरात वालों को बांट दिए, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय है। तो इसलिए अगर इन गंभीर विषयों को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो मेरे हिसाब से इस राज्य की दुर्गति को आप लोग लिख रहे हैं। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? देख रहे हैं जहाँ से सब चाहेंगे, जहाँ से टीम चाहेगी चुनाव। कुछ चुनौती तो मिल रही है वहीं से आप फिर तो वहाँ से लड़ जाइए फिर। ठीक है, लड़ जाएंगे और दो बार अगर चुनौती मिल गई तो